100 में से आजकल 20% लोग ऐसे हैं जिनका वजन कम है, फिर भी उनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रखी है। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं कि वो बोलते हैं कि मैम जिनका वजन ज्यादा होता है उनको फैटी लिवर होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 20% लोग ऐसे भी सरवाइव कर रहे हैं जो पतले हैं, फिर भी उनको फैटी लिवर हो रखा है। अगर आपके पेरेंट्स को, दादा दादी को, नाना नानी को, किसी को भी अगर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक की प्रॉब्लम थी, या कैलेस्ट्रोल की, बीपी की, कैंसर रिलेटेड अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी, किडनी डिजीज या स्ट्रोक या हार्ट डिजीज या सडन डेथ हो गई हो, तो उनका लीवर फैटी मिलेगा ही मिलेगा। आप टेस्ट करा सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि वो पतला बंदा है, मोटा बंदा है, ठीक है, आप एक बार फैटी टेस्ट करवाइए, जिसको फैटी लीवर टेस्ट बोलते हैं। क्योंकि ये सारी बीमारियां लीवर से रिलेटेड होती है, ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हम इस पर टाइमली ध्यान दे लें तो हम इसको इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमेशा मैं बोलती हूँ, हमारी जो बीमारियों की जड़ है वो है लीवर और हमारा जो पेट है वो। अगर हमने इन दोनों चीजों को ठीक कर लिया, ये हमारी पूरी बॉडी तो अच्छे से काम करेगी, हम फिट तो रहेंगे रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी और हमारे हेयर भी हेल्दी रहेंगे। एक मैं सिम्टम बताना चाहती हूँ आपको कि आप फैटी लीवर का तभी पता लगा सकते हो। आपको क्या करना है, आपको मिरर में देखना, आप डेली अपने आप को देखते हो, ठीक है, गर्दन के चारों साइड आपको देखना है कि काली लाइन हो रखी है, या मस्से जिसको बोलते हैं, अगर वो हो रखी है तो उनको फैटी लीवर है ही है। मैं गारंटी लेती हूँ, वो टेस्ट करवा के देख लीजिए, उनको फैटी लीवर मिलेगा ही मिलेगा। ये सबसे बड़ा सिम्टम है फैटी लीवर का। और कैलेस्ट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप दवाई ले रहे हो, उसका एक्चुअली में मतलब है कि हमारा लीवर फैटी हो चुका है और जो अब एक्स्ट्रा फैट है वो हमारे ब्लड में जाना स्टार्ट हो गई है, उस वजह से ही हमें कैलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको मैं 5 चीजें बता रही हूँ, आप अगर उनका यूज कर लेते हो तो आपका फैटी लीवर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, और उससे होने वाली जो मैंने बीमारियां बताई है उससे भी आप बच सकते हो और अपने फैमिली मेंबर में किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो वो 5 चीजें कौन सी है, सबसे पहले आता है एप्पल। एप्पल का बहुत सुना होगा, अगर आप 2 एप्पल डेली खाते हो तो आप डॉक्टर से वैसे ही दूर रहोगे, हेल्दी रहोगे। डेली 2 एप्पल यूज करो, आप कभी भी कर लो। वैसे तो मैं बोलती हूँ कि सुबह के टाइम ही यूज करो, 1 एप्पल तो जरूर यूज करो, अगर 2 नहीं कर पा रहे हो तो अपने बच्चों को भी दो। तो 2 एप्पल डेली यूज करके देखो, आपका लीवर कंट्रोल, जो फैटी लीवर है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज है, हम बोलते हैं कि जो आटा है, गेहूं का जिसको आटा बोलते हैं, बाजरे का है, मक्के का है, जो भी अनाज आता है, आटा है, उससे क्या होता है, हमारा लीवर है वो फैटी होता है, हमेशा फैटी लीवर होता है। पर जो सत्तू आता है, सत्तू का यूज कीजिए, आपका जो फैटी लीवर है वो हमेशा कंट्रोल रहेगा। और काला चना जो मार्केट में मिलता है, वो वाला चना, पर बिना छिलके के नहीं खाना, क्योंकि लोग गलतियां यही करते हैं कि ऑलमोस्टली छिलका उतार के खाते हैं। सेब का भी बिना छिलके के यूज नहीं करना है, छिलके समेत उसको खाना है। क्योंकि आजकल मैंने घरों में भी देखा है कि बच्चों को क्या देते हैं, छिलका उतार के सेब दे देते हैं कि खा लो भाई, तो वो कोई फायदा नहीं करता, छिलके में ही सबसे ज्यादा गुण होते हैं। तो छिलके समेत हमें चने का भी यूज करना है, काला चना, और सेब का भी छिलके समेत यूज करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यार अभी 2-3 चीजें बता दिए, क्लैपिंग तो बनती है, या तो आप बोर हो रहे हो मेरी वीडियो से, या आप अपना फैटी लीवर ठीक नहीं करना चाहते, तो एक क्लैपिंग तो बनती है, या आप कमेंट कीजिए भर भर के, जल्दी से एक हार्ट तो भेज ही सकते हैं, ठीक है, कि मैं इतनी अच्छी वीडियो लेकर आ रही हूँ आपके लिए। और आपको किसका यूज करना है, जो कलर्ड वेजिटेबल्स आती है मार्केट के अंदर, जैसे चुकंदर हो गया, वो बहुत ही अच्छा होता है, तो आपको उसका भी यूज करना चाहिए। जो लास्ट चीज बता रही हूँ वो फूड में नहीं आती पर पीने में आती है, कॉफी, यानी कि कॉफी जो मेरी भी फेवरेट है। चाय तो मैं थोड़ी बहुत पीती हूँ, अगर मुझे कोई बोले कि चाय और कॉफी में से कौन सी चूज करनी है, मैं तो हमेशा कॉफी चूज करती हूँ, ठीक है।
कॉफी ऐसा नहीं है कि मेरी फेवरेट है इसलिए मैं बता रही हूँ, हमारी फैटी लीवर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए चाय के कंपेयर में कॉफी बहुत ही अच्छी है और फैटी लीवर वालों के लिए तो जबरदस्त नुस्खा है। अगर आप रूटीन में इन चीजों को शामिल कर लेते हो तो मैं कहती हूँ आपका लीवर फैटी होगा ही नहीं, क्योंकि आजकल लोगों की यही प्रॉब्लम हो रही है। एक ने तो मेरे से पूछा हेल्थ ग्रुप में कि मैम किसी को भी देख रहे हैं आजकल फैटी लीवर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब होना, डाइट खराब होना, हम अपने पेट में जो मर्जी डाल रहे हैं भाई, कहीं हर 2 घंटे बाद खा रहा है, हर कोई 10 मिनट बाद खा रहा है, किसी का टाइम ही फिक्स नहीं है, वो कब सुबह खाया फिर वो शाम को खा रहा है, और कभी 9 बजे खा रहा है, कभी 10 बजे खा रहा है, कोई शेड्यूल नहीं है। जो ज्यादा खा रहा है उसके लिए भी खतरनाक है बार बार, और जो कम खा रहा है उसके लिए भी खतरनाक है। तो इसका मतलब है हमारी लाइफ स्टाइल है, डाइट है, वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। सबसे कॉमन रीजन यही है। तो अगर इन चीजों का यूज करते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ फैटी लीवर आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। फिर भी अगर फैटी लीवर की ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है तो आप दिए हुए नंबर पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, या मेरा हेल्टो ग्रुप जाकर वहां भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मैं आपकी फुल एंड फाइनल हेल्प करूंगी फैटी लीवर के लिए। ये मेरी गारंटी रहेगी कि फैटी लीवर आपका 100% ठीक रहेगा। क्योंकि अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो मैं ये जरूर कहूंगी कि वो आपको मेडिसिन जरूर देंगे, सिरप जरूर देंगे, पर वो गारंटी नहीं लेंगी। ऐसा ही होगा, पर मैं गारंटी लेती हूँ कि फैटी लीवर आपका ठीक होगा ही होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो और लोग परेशान है फैटी लीवर को, बहुत सारे लोग इसको इतनी बड़ी बीमारी बना लेते हैं तो ऐसे मन में ही ना बनाए और वो घर पे ही ठीक कर पाए, तो मुझे इतना सारा प्यार दीजिए ताकि मैं नई नई वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं और आपकी हेल्थ को अच्छी रख सकूं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।